सबसे पहले मैं आपको ना इसमें उसका व्यू वगैरह जो भी इसका मतलब पहले कैटेगरीज का बताता हूँ, ये किधर से आ रही है कैटेगरीज, या जो भी हमने करना है ये किधर से शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये सारा आपको लेआउट का ना मैं बताता हूँ इसमें किधर से क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले आ जाती है कैटेगरीज, लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कैटलॉग कैटलॉग में होगा कैटेगरीज, कैटेगरीज में क्लिक करेंगे, पहले वाली डिलीट कर देता हूँ। कोई भी आपने कैटेगरी बनी है ऐड करेंगे तो पहले वाली कैटेगरी एडिट कर सकते हैं, जो भी ऐड की हुई है जो पहले मैंने ऐड की है उनको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं जिसका भी करना हो। अगर आपने न्यू करनी है क्रिएट न्यू, यहाँ पर अरबिक का नाम आ जाएगा एआर के लिए और ये इंग्लिश के लिए इधर नाम आ जाएगा। क्या हम कैटेगरी एक न्यू ऐड करते हैं माइनिंग कैटेगरी के नाम से, और आपने मेटा टाइटल भी वही देना है और में भी आ जाएगा। में भी वही आ जाएगा। इसमें डाटा में आएंगे तो पेरेंट कैटेगरी रखनी है कि सब कैटेगरी करनी है, अभी तो हम एक कैटेगरी कर रहे हैं उसमें हमने पेरेंट ही रहने देना है, इसमें कोई कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी, ये पेरेंट पे आ जाएगा। इसके ऐसे यूआरएल आ जाएंगे कौन से हमने न्यू करने हैं, न्यू कैटेगरी आ जाएगा, फिर ऊपर जो यूआरएल पर नाम वगैरह लिखते होते हैं वो चीज़ हमने किस तरह शो करवानी है, तरह यू आर एल वगैरह शो हो जाएंगे उधर, आप शो करवा सकते हैं किस तरह शो करवानी है किस तरह नहीं शो करवानी। तो इसमें आप करेंगे सेव, सेव करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड सब कैटेगरी करनी है, सब कैटेगरी करने के ये वही चीज़ वही सेम प्रोसेस। ये चीज़ आ जाएगी और इसमें भी हमने वही करनी है सब कैटेगरी ये ऐड कर लेंगे। न्यू कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ये हमारी पेरेंट में उसके अंदर आ जाएगी। ऐसी यूआरएल इस कैटेगरी के लिए भी वही, बाद ये आ जाएगा सॉर्ट ऑर्डर में हम चेंज कर सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर किसी नंबर को हमने लेके आना, ये सॉर्ट ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। उसके भी सेव एंड क्लोज, उसके बाद हमने ये आप कैटेगरी आ जाएगी और ये आ गई सब कैटेगरी। हमने इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है, प्रोडक्ट अभी सेम वही प्रोसेस, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमने एक की हुई थी मैं बंद कर देता हूँ। एक न्यू ऐड कैटेगरी करते हैं प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, मेरा टाइप इंग्लिश का नाम आ जाएगा, का डाटा, डाटा में मॉडल आ जाएगा उसका कौन सा रखना है आपने, वन रख सकते हैं टू, जिसका भी आपका प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद प्राइस आ जाएगी इसकी, आपने कितनी प्राइस रखनी है, उसके बाद क्वांटिटी आपने कितनी शो करवानी है इस प्रोडक्ट के, मिक्स में ऑर्डर भी शो करवा सकते हैं क्या इस प्रोडक्ट पे, अलहदा एक तो होता है पूरी वेबसाइट में भी शो हो सकता है, एक मिनिमम ऑर्डर एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि आपने 10 शो करवानी है या कम से कम इसका 10 प्रोडक्ट शो करवाई है, अभी कम से कम दो तीन प्रोडक्ट का एड कार्ड बना होना मैनुफैक्चर में, वही जो फॉर्म आता है इसमें हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो हमने ऐड की हुई थी, न्यू कैटेगरी सब कैटेगरी इसमें शो करवा दी। इसमें हमने रिलेटेड प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, इसमें हमने कौन से रिलेटेड प्रोडक्ट शो करवाने हैं वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। ट्रिब्यूट ये स्पेशल है, इसमें आपने डिस्काउंट वगैरह अगर देना हो तो मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं इसमें से आप चेक कर सकते हैं, कोई भी देना हो तो इधर आके डिफॉल्ट जो कि वन प्राइस का 100 है तो इस 200 कर सकते हैं, यानी कि कौन से और कौन सी डेट से स्टार्ट होगी और कौन से डेट पर इसको एंड करना है, कि यहाँ तक इसका डेट होगा, ठीक है ना। उसके तो बाद इमेज आ जाती है, इमेज आप अपने पीसी से अपलोड करनी हो तो हो
अपलोड करेंगे तो इधर पीसी से आप कर सकते हैं अपलोड, ठीक है। इसमें आप फोल्डर बना सकते हैं, फिर कौन से नाम से फोल्डर बने, ठीक है। बना सकते हैं फोल्डर, बना क्रिएटेड हो जाएगी, इसमें आप शो करवा सकते हैं। इसमें भी अगर करना हो शो करवाता हूँ, इसमें भी हम एडिशनल इमेज शो करवा सकते हैं एक से ज़्यादा। उसके बाद ये इवेंट क्लोज, उसके बाद हमने अभी इसको मेन्यू में लेके आना है। मेन्यू में किस तरह लेके आना है इसको, हमने इस मेन्यू में शो करवाने के लिए, क्योंकि होम डिज़ाइन के आगे इसमें सब कैटेगरी शो होगी। उसके बाद हमने जाना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में हमने जाना है मॉड्यूल, मॉड्यूल में जाएंगे। ये हमारा होगा वर्टिकल मेगा मेन्यू, जो ये हमारा हॉरिजेंटल आ रहा है और ये वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल में हम इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। उसको एडिट करने के लिए हम इसका अरबिक में नाम, अरबिक में ये लिखा है, होम के लिए ये लिखा है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। इधर से कैटेगरी के लिंक, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है, यूआरएल देना है, ये क्या कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर ये टाइप कौन सा कैटेगरी है, रूट में पेरेंट आईडी, इसमें कौन सी रखनी है, गार्डन होम या जिसका मतलब इसके अंदर शो करवानी है, या रूट पर शो करनी है, रूट पर रहने देना है, आइकन चेंज करना है, वो चीज़ें इस तरह से ओके हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेव कर देंगे, सेव एंड एडिट करेंगे, सेव कर देंगे। अगर हमने लाइव मेगा मेन्यू के एक और ऑप्शन है लाइव मेगा मेन्यू एडिटर, इसमें हम इसके सब मेन्यू कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी किधर कौन सी शो करवानी है हमने। इसमें आएंगे, ये आगे सब कैटेगरी एडिट करेंगे, इसमें हम नाम देंगे उसका, कौन सा रखना है नाम हम कैटेगरी, और इसमें हमने पेरेंट उसका आईडी सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सी कैटेगरी हमने शो करवानी है, न्यू कैटेगरी है, उसका हम पेरेंट आईडी लेंगे 114, ये आ जाएगी। उसके अंदर ये सब कैटेगरी का लिंक देने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही उठा लेगा जनरल्स की सब कैटेगरीज। हमने लिमिट देनी है कि 400 हो, 500 हो, कितनी शो करवानी है, उसके बाद सेव हो जाएगा। सेव कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी उसमें कैटेगरी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो प्रोडक्ट जो हमें शो हो जाएगी जो हमने ऐड की होगी। अब ये इसको अभी अरबिक में करता हूँ तो प्रोडक्ट का नाम वगैरह भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए ए आर आ गया, यानी कि हमने जो ए आर का लिखा वो बाकी चीज़ें सब चेंज हो जाएगा। इसमें कैटेगरी का नाम भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए ए आर हो गई, इसमें ठीक हो जाएगी। यस ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका ये वर्टिकल ओरिजेंटल बैगा मैंने, इसमें आपने किधर से जा चेंज करना है। एक्सटेंशन मॉड्यूल, मॉड्यूल में आप जाएंगे वर्टिकल मेगा मेन्यू, और ये का मेगा मेन्यू है, ऊपर मेगा मेन्यू लिखा हुआ है, इसमें आपने एडिट करना है। ये उस इधर भी आपका वही सेम प्रोग, वही मेन्यू यूज़ किया है, लेकिन बस का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। इसमें भी आप होम के आके जो भी आपने नेम वगैरह चेंज करने हैं वो इधर से कर सकते हैं, अबाउट अस का लिंक वगैरह देने हो इधर से दे सकते हैं, फिर इंफॉर्मेशन के अबाउट अस के पेजेस बने हैं वो इधर से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, कौन से किधर से आने हैं वो आप कर सकते हैं इधर से। ये हमारे इस मेन्यू के लिए है सारा टोटल। उसके बाद आ जाता है हमारा बैनर, बैनर में मॉड्यूल, मॉड्यूल में हमारे पास आएगा, इसमें एक लेआउट बना हुआ है पेज बिल्डर, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा किधर से आ रहा है, वो चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। हमारा स्लाइड वन है, हमारे पास ये स्लाइड वन एडिट, उसके बाद ये हमारे पास उसकी स्लाइड मैनेज, यानी कि 1 2 3 4 कौन सा है, वन यूज किया हुआ है, मैनेज स्लाइड, ये उसकी स्लाइड वगैरह आ जाएंगी आपके सामने। क्लिक करने के बाद देखेंगे ये आपके सामने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वगैरह आ
आप इधर से, हाँ इसका चेंज कर सकते हैं। सारे रहने दीजिएगा, सिर्फ वर्डिंग इसकी चेंज कर लीजिएगा तो इजीली हो जाएगा। फिर सेव, उसके बाद आ जाती है आपकी ये डील्स वगैरह। यहाँ पे माय डील्स, इधर से आपने एडिट करना है, उसी पेज में रह के एडिट। इधर से आपने कैटेगरी लिंक, ये वाले जो कैटेगरी लिंक है ना, ये ऊपर टॉप पर आ रहे हैं, जो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह, इधर से आपने इसमें लिंक कर लेना है कि कौन सी शो करवानी है कौन सी नहीं करवानी शो आपने, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है स्टार्ट डेट में, डील कौन सी लगनी है कौन सी नहीं लगनी, और इसमें आपने देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आपने डील लगाई हुई है प्रोडक्ट में। मिसाल के तौर पर आपने प्रोडक्ट्स में ये डील हमारी लगी हुई है, स्पेशल न्यू प्रोडक्ट में लगी हुई है डील, इसमें लगी है, ओवन में लगी हुई है, इसमें हम इस तरह डील कर सकते हैं इसको, स्पेशल स्पेशल में उसने ये प्योरिटी प्राइस और ये चीज़ दी हुई है। सेम इस तरह हमने सिर्फ उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट शो होगी तो वो इस तरह से शो हो जाएगी, ये सारी हो जाएगी। सेम कर दीजिएगा, सेव एंड स्टे, देन ये आपके पास शो हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने एक ही सिलेक्ट किया ऊपर, इस वजह से एक ही शो हो रही है, और ये नीचे डील आ गई। ये इमेज, ये वाली इमेज अगर चेंज करनी हो तो ये वाली इमेज इधर से चेंज हो जाएगी, ये इमेज चेंज हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है आपकी होम इलेक्ट्रॉनिक्स। होम इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कैटेगरी लिंक सेम वही चीज़ है, हमने इधर देखना है कौन ये उसका बैनर, ये टॉप बैनर जो शो हो रहा है वो किधर से आ रहा है, प्रोडक्ट्स ये जो नीचे आ रही हैं वो इधर से आ रही हैं। अगर ऊपर ये टैब, इसमें कैटेगरी का टैब देना है तो इसमें आपने इधर से आपने कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लेनी है, तो जो हमने शो करवानी होम कैटेगरी के लिए रेफ्रिजरेटर आ जाता है, कुकर्स, टीवी, जो भी आप देना चाहें वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो कैटेगरी के साथ लिंक हो जाएगा, वो कैटेगरी के पेज पर चला जाएगा, ठीक है। इसमें आप इधर से आप उसमें प्रोडक्ट शो करवा सकते हैं, कौन सी आपने प्रोडक्ट शो करवानी है वो प्रोडक्ट के नाम इधर ऐड आ जाएंगे, ऐड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। सेव, सेव एंड स्टे, ये आ जाएंगे, ठीक। ये हमारी न्यू कैटेगरीज और इनके साथ लिंक हो जाएंगे शुरू से, ये हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये स्लाइड्स, ठीक। इसमें इसमें भी आप नाम वगैरह अगर चेंज करना हो तो ये टाइटल, इधर से आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज, इधर से आपने अरबिक का नाम देना हो तो अरबिक करेंगे तो अरबिक में हो जाएगा, जो भी नाम देना होगा, ठीक। और ये इंग्लिश के लिए आ जाएगा, ठीक ठीक है। तो सेव कर दीजिएगा। उसके बाद टीवी, टीवी के अंदर भी यही है सेम चीज़, इसमें आपने नाम देना है कैटेगरी के लिंक, ये वगैरह इधर से आपने देना है, ये नाम वगैरह, ये बैनर आ जाएगा, ये कैटेगरी ऊपर जो ये वाली कैटेगरी होंगी इधर आपने शो करवानी टीवी, इसके ऊपर भी आ जाएगी। सेव, उसके बाद आ जाता है गिफ्ट एंड बुक, में भी आपने वही चीज़ शो करवानी है, किधर से आपने करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप शो करवा सकते हैं, इधर से आप इमेज चेंज करवा सकते हैं, जो भी करवानी हो ये आप बना के उधर से शो करवा सकते हैं, एडिट अपने पीसी से शो करवा सकते हैं, जो भी आपने शो करवाए वाला, तो आप इधर से शो करके सेलेक्ट करता हूँ, आ जाती है सेव एंड क्लोज। टेस्ट करके देखेंगे, ये आपके पास आ रही न्यू कैटेगरी, और ये मैंने 30 इंच का किया, ये चीज़ें मेरे पास आ गई। इसके बाद वाटर कूलर ये मैंने चेंज की, और ये प्रोडक्ट भी इसी तरह सेलेक्ट होनी है, फैशन में भी इसी तरह, ये सारी चीज़ें फैशन के, ये नीचे और ब्यूटी हेल्थ और इमेज वगैरह, सो ये स्लाइडर लोगो आप इधर से सेलेक्ट करते हैं अगर करना हो तो, सेटिंग, ये आपके हो जाए कि मैनुफैक्चर के बैनर्स आ रहे हैं, इधर से आपने चेक कर सकते हैं कौन से आ रहे हैं, मैनुफैक्चर बैनर सेलेक्ट किया, होम पेज स्टेटस इनेबल है, इसकी हाइट विड्थ है,
ये मैन्युफैक्चर के बैनर है, ठीक है। ये आ जाएंगे आपकी जैसे मैन्युफैक्चर डिजाइन, डिजाइन के अंदर बैनर्स, बैनर के अंदर ये मैन्युफैक्चर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वो सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें लारा भी लिंक वगैरह भी हो जो भी देने हो, इधर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी न्यू लेटर, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी, न्यूज लेटर आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, ये लोगो वगैरह आ जाते हैं, ये चेंज करने के लिए आपको, ये भी बैक एंड के अंदर ही है। ये सारी चीज़ें हम इसमें सेटिंग में जाएंगे हम, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर आएंगे ये थीम कंट्रोल पैनल, थीम कंट्रोल पैनल एडिट, एडिट करने के बाद ये नीचे कॉपीराइट्स वगैरह जो भी ये आप करना चाहें, इसके बाद आ जाता है आपका जनरल, जनरल में ये चीज़ आ जाएगी जो भी आप करना चाहते हैं, पेजेस, पेजेस में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस में ये जो कॉन्टैक्ट अस में ये फॉर्म, ये मैप, मैप का एपीआई आपको देना पड़ेगा इधर, ये जो एड्रेस वगैरह है इधर से चेंज हो जाएगा, थीम कंट्रोल का ये इधर से चेंज होगा। उसके बाद हमारे पास फुटर में आ जाता है ये न्यूज़लेटर, तो ये फॉलोअर्स, स्टैटिक मॉड्यूल, फुटर, फुटर में आप फॉलोअर्स इधर से आप चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह के लिंक वगैरह इधर से आप देंगे, एडिट करेंगे, एडिट करके आप इधर से लिंक दे सकते हैं, वो जो भी आपने चेंज करवाना वो कर सकते हैं। इसमें अरबिक और इंग्लिश के अलग-अलग डिफरेंट हैं। उसके बाद आ जाता है अबाउट अस, अबाउट अस भी आप इसको कोड व्यू करके दे देंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि स्टाइलिंग नहीं इसकी ख़राब होगी, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। ये इधर से अरबिक और इंग्लिश का अलग है, ठीक है ना। इसमें पॉपुलर परचेज, फिर ये पॉपुलर परचेज आ जाता है, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह दे को कैटेगरी का लिंक कर सकते हैं आप, यानी कि वो अपनी मर्जी से आप लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश अरबी के लिए दोनों के लिए डिफरेंट्स हैं। उसके बाद पेपाल की इमेजेस वगैरह ये जो लगी हुई है इधर से आप चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ है। इसमें अनवर, ये आपके शॉप एड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए आप, डिज़ाइन सॉरी सिस्टम, सिस्टम में सेटिंग, सेटिंग में एडिट, ये आपका स्टोर नेम आ जाएगा, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने ऐड करनी है, स्टोर नेम, स्टोर एड्रेस, उसका मेल आईडी कौन सा आपने यूज़ करना है, यहाँ पर उसका ऑर्डर ईमेल वसूल होती है वो। उसके बाद आप नंबर, टेलीफोन नंबर इधर से चेंज कर सकते हैं, ओपनिंग आवर दे सकते हैं कि टाइमिंग क्या है क्या नहीं टाइमिंग, ठीक। उसके बाद आपने ये कंट्री चेंज कर सकते हैं, रीजन चेंज कर सकते हैं, कौन सा आपका लैंग्वेज कौन सी आपने करनी है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यानी फ्रंट जब वेबसाइट ओपन हो तो कौन सी लैंग्वेज आपने सबसे पहले शो करवानी है, एडमिनिस्ट्रेटर की लैंग्वेज कौन सी करनी है, करेंसी है ईडी आपकी, अपडेट करेंसी, ठीक। ऑप्शंस में आ सकते हैं आप, प्रॉम्प्ट, प्रोडक्ट पेज अलाउ रिव्यू कर सकते हैं आप, मेल न्यू मेल रिव्यू अलर्ट इसको नो कर दें, ठीक है ना। टेक्स्ट डिस्प्ले, टेक्स्ट शो करवाना है आपने, टेक्स्ट के साथ शो करवाना है, ठीक है नहीं ना। अगर अकाउंट कस्टमर शो करवाना है, ठीक। चेकआउट के पेज में आपने व्यू कार्ड डिस्प्ले करवाना है, कार्ड का वेट कितना है कितना नहीं वो शो, उसका मिनिमम ऑर्डर शो करता है, न्यू ऑर्डर, ईमेल अलर्ट्स यानी कि जो ऑर्डर हो वो मेल आईडी उसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद इमेज, ये लोगो, स्टोर आइकन, एक्टिव, और इसके बाद हम सेव कर देंगे इसको। इसके बाद आ जाता है आपके इंफॉर्मेशन के पेजेस वगैरह, अबाउट अस का पेज, डील, एफएक्यू के पेजेस वगैरह आपने करने हो तो आप इधर से आ सकते हैं, कैटलॉग, कैटलॉग में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के पेज, ये अबाउट अस का पेज है, डिलीवरी इंफॉर्मेशन है अबाउट अस का पेज, आप डिटेल वगैरह दे सकते हैं, अरबी की भी इंग्लिश की भी डाटा, ये बॉटम में हमने शो करवाना है, इसको चेक करेंगे तो बॉटम में शो हो जाएगा, अगर आप इन चेक कर देंगे तो बॉटम में नहीं शो होगा, जस्ट ओनली टॉप पर शो होगा, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे जिसमें आप बॉटम को भी शो करवाना है, तो आप इधर से आप बस चेक करना पड़ेगा,
और ये वही सॉर्ट ऑर्डर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर होना और ही रहते हो जाएगा। और ये ब्रांड्स, ये जो न्यूज़ लेटर वगैरह, इधर से आप चेंज कर सकते हैं न्यूज़ लेटर। आपका न्यूज़ लेटर आ गया, न्यूज़ लेटर में इसमें आएंगे मड्यूल एक्सटेंशंस, मड्यूल ये हमारा न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर में फ्रंट एंड मड्यूल, ठीक। इसमें आपने कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है वो दे सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट मेल, डैशबोर्ड लिस्ट, सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइब करेंगे वो लिस्ट इधर आ जाएगी, जो भी चीज़ इधर ऐड होगी वो आ जाएगी सामने, इस फ्रंट पर शो हो जाएगी। मतलब ड्राफ्ट कॉन्टैक्ट जो भी आप करना चाहते हैं, वो जो भी सब्सक्राइबर होगा वो इधर आपके पास वो शो हो जाएगा। ये जो कैटेगरीज बनी हुई हैं ये आपको शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मैन्युअली ऐड करेंगे ना तो ये खुद बहुत शो हो जाएंगे। बेस्ट सेलर्स, ये मॉड्यूल्स वगैरह जो आपके आ रहे हैं वो इस तरह शो हो जाएंगे। कैटेगरी ये सब्सक्राइबर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, इसमें आपने शो करवाएं जिस तरह भी होगी तो आपके सामने इधर शो हो। स्टार्ट और इसमें ये भी चेंज भी हो सकता है, ये रिव्यू वगैरह जो सारा कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन इसमें ये वाली कैटेगरीज आपको दोबारा, मतलब जिस तरह इधर आके ऐड करते हैं आपको दोबारा नहीं ऐड करना पड़ेगी, ये ऑटो जो है ना वो खुद इधर से ले आता है वो मॉड्यूल के द्वारा।